क्या होगा अगर BS6 की बैटरी अगर ख़राब हो जाए तो आपको क्या लगता है? तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि BS6 के अंदर जो वाले बैटरी होती है अचानक से वो ख़राब हो जाए या फिर वो उसका चलना बंद कर दे, तो क्या आपको BS6 के अंदर जो फ्यूल मोटर लगी हुई है या फिर फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है उसके अंदर कोई दिक्कत आ सकती है? तो जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो दे दी है, वहाँ से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है या फिर सवाल है आपके, जैसे कि हमारे 2-3 सब्सक्राइबर मित्र ने हमको पूछा है कि 3 से 5 लाख के अंदर कौन सी ऐसी गाड़ी है जो कि वो उनको खरीदनी चाहिए, एडवाइस लिए है और वो एक सेकंड हैंड गाड़ी के ऊपर जाना चाहते हैं, तो फिलहाल तो मैंने उनको प्राइवेटली मैसेज कर दिया है। अगर आपके ये सवाल आते हैं, मुझे ज़्यादातर सवाल आते हैं, तो मैं अगली वीडियो में ये कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्या होगा अगर BS6 के अंदर ये वाले प्रॉब्लम आती है, बैटरी की प्रॉब्लम आती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो BS4 BS3 वाली गाड़ियाँ हैं उनका जो एक मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो होता क्या है कि उनका जो पहले जो लाइट था या फिर आप हॉर्न कह लो या फिर आपका इंडिकेटर के स्विचेस कह लो या फिर आपका टेल लैम्प का फंक्शन कह लो, जो भी है वो बैटरी से चलता था, बराबर है। और जो गाड़ी का मेन जो हेडलाइट था वो आप कह लो कि अल्टरनेटर से या फिर इंजन के कोई कंपार्टमेंट से चलता था, ऐसा जान लो आप, तो अल्टरनेटर से चलता था। तो अल्टरनेटर करंट जो है अपना वो एसी करंट देता है, और एसी करंट को अगर हम डीसी करंट में करना है आपको कन्वर्ट, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको एक रेक्टिफायर लगेगा, जो कि आपका रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जो है आपकी बैटरी चार्जिंग करेगा, और उसके बाद आपके जो हॉर्न हो गया या फिर इंडिकेटर हो गया, ये जो फंक्शंस है उनको बैटरी बैटरी के अंदर प्रोवाइड करेगा, बराबर है। तो अभी जो BS6 के अंदर है वो ऐसा है कि अगर BS6 में अगर बैटरी की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपका जो फ्यूल मोटर है वो काम करना मतलब बंद कर देगी। वो इसलिए कि अगर BS6 के अंदर जो है जो आपका फ्यूल मोटर चल रहा है, जो आपका फ्यूल इंजेक्टर चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बैटरी के ऊपर चल रहा है। और अगर बैटरी ख़राब हो जाए तो करंट फ्लक्चुएट होगा, करंट कम ज़्यादा आएगा। अगर करंट कम ज़्यादा आता है तो आपके फ्यूल मोटर और आपके फ्यूल इंजेक्टर में दिक्कत हो सकती है या फिर वो जल सकता है, डायरेक्टली जल सकता है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर अपना घर का ही आप एग्जाम्पल लो, अगर थोड़ी सी अपना ट्रांसफार्मर में कुछ दिक्कतें अगर आ गई तो होगा क्या कि आपका जो घर का जो करंट है वो कम ज़्यादा आएगा। अगर कम ज़्यादा आए तो अपनी जो घर की जो लाइट्स होगी या फिर फैन होगा वो कम ज़्यादा चलेगा। और वो कभी कभी आपने ऐसा ही देखा होगा कि लाइन कम ज़्यादा होने से आपका जो फैन होगा वो लाइट होगा वो भी जला, यहाँ पे भी हुआ होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी बैटरी ख़राब होती है तो आपको तुरंत ही तुरंत उसको चेंज कर देना है। नहीं तो कई कई लोग क्या करते हैं, 4-5 सौ हज़ार बचाने के मतलब बचाते हैं और ऐसा बोलते हैं कि चलो ना ये कुछ 15 दिन 20 दिन चलेगी। वो BS3 BS4 में होता था, आप जो है बैटरी नहीं भी आपने लगाई तो वो काम करता था, मतलब आप किक से भी बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। BS6 जो बाइक है वो किक से तो स्टार्ट होगी पर वो थोड़ी सी मिसिंग करेगी। मिसिंग का मतलब यहाँ पे है कि कम ज़्यादा मतलब ऐसा लगेगा आपको कि इस गाड़ी के पेट्रोल में या फिर थोड़ा सा पानी मिक्स हुआ होगा, ऐसा ऐसा लगेगा, मतलब वो थोड़ी मिस फायरिंग करेगी। तो इसका मीनिंग ये है कि मिस फायरिंग वो इसके वजह से करेगी क्योंकि आपका जो फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल मोटर है, वो बैटरी से ही चलेगा। अगर बैटरी जो है अपना 12 वोल्ट उसको सप्लाई करेगी DC में तो ही आपकी गाड़ी चलेगी, या फिर अगर हम उसकी बैटरी हटा दें तो थोड़ा सा उनमें जो करंट है वो करंट की दिक्कत हो सकती है, कम ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है, इसलिए मिस फायरिंग करेगी और आपकी गाड़ी में चलने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये जो वीडियो के अंदर है मैंने कवर कर दिया। अगर आपको BS6 के और आपको ऐसे प्रॉब्लम्स जानने हैं तो कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये प्रॉब्लम है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर कर वहाँ पे भी आप मुझे सवाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना अपने चैनल को, ताकि और इंटरेस्टिंग ऐसे फीचर में हम बहुत सारे ये करने वाले हैं, ओनर रिव्यू एक्सपीरियंस लेने वाले हैं, या फिर शोरूम में जाकर आपके आपके जो नई गाड़ियाँ आएंगी, नई लॉन्च होगी, उसके भी हम इंफॉर्मेशन देने की प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
और इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, भारत माता की जय, धन्यवाद।